आज हम बनाने जा रहे हैं चिप्स। तो ये मैंने आलू को पहले अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद में इसको छील लेंगे। पूरी देखिए मैंने छील लिया है। छीलने के बाद में और इसको धो लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से धो लिया है आलू को। और अब इसमें साफ पानी डाल देते हैं इस बर्तन में। और पानी डालने के बाद में अब हम चिप्स की तैयारी करते हैं। ये मैंने चिप्स वाली मशीन लिया है और इसमें चिप्स निकाल लेंगे। और ये जो हमने पानी लिया है इसमें ये चिप्स डाल देंगे, जिससे कि हमारे आलू काले ना पड़े। और अब फिर इसी तरह हम आलू के चिप्स निकाल के और पानी में डालते जाएंगे। अभी हमारे आलू की चिप्स तैयार हो चुके हैं और इसमें पानी में निकाल लिया है। तो अभी इसको हम ऐसे ही धोना पानी निकालेंगे। पहले इसको हम अच्छे से धोएंगे। और तो ये मैंने 4 से 5 बार पानी में अच्छे से धोया है। हम इसको धोते नहीं हैं और इसीलिए हमारी चिप्स थोड़ी सी पीलापन आ जाता है, काली पड़ जाती है। और हम इसको अच्छे से धो लेंगे तो हमारी चिप्स बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी और बिल्कुल भी पीली नहीं होएगी। तो ये देखिए मैंने 3 से 4-5 बार पानी में अच्छे से धो लिया है, पानी बदल बदल के। और आपको दिखाती हूँ इसमें कितनी गंदगी निकल रही है। ये जो आलू का मांड है वो निकले जा रहा है इसमें से। और अब फिर पानी चेंज करके और अब इसमें फिर बदल लेंगे पानी। और अब मैंने अच्छे से धो लिया है चिप्स को। और अब आपको दिखाती हूँ कितना साफ पानी है। ये हमारे चिप्स तैयार हो चुके हैं धोने के लिए। तो और हमें एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो पानी में थोड़ा सा उबाल आ चुका है। तो इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच जो खाने वाला बर्त में खाने वाला नमक होता है वो डाला है। आप इसमें सादा नमक भी डाल सकते हो। तो मैंने बर्त वाला नमक इसलिए डाला है क्योंकि हम इसको बर्त में भी खा सकें। और अब मैं इसमें चिप्स डाल दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 से 8 मिनट लगेंगे। अभी जो हमारी चिप्स ऊपर आ जाएगी उसी टाइम में हमारे को इसको निकालना है, ज़्यादा नहीं रखना है पानी के अंदर इसको। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे को कैसी चिप्स चाहिए। ये देखिए टूट नहीं रही है, यानी ये मुड़ रही है। तो ये मुड़नी चाहिए तो वो सही रहती है। अगर ये टूटती है तो समझ लो हमारी चिप्स थोड़ी सी ज़्यादा पक जाती है। तो इससे भी हमारी चिप्स चिपकती भी है सुखाने में और पीलापन भी आ जाता है। तो देखिए ये हमारी चिप्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अभी पानी खूब अच्छे से उबाल आ रहा है तो अब दोबारा डालेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। अब इसको सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी चिप्स ऊपर आ चुकी है। बस एक उबाल आते ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसको बाहर निकाल लेंगे। पूरी चिप्स ऐसे ही हमारे को पानी के अंदर डाल के वो सिर्फ 5 से 7 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अब हम एक कॉटन का कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर फैला देंगे हमारी चिप्स। तो पहले मैंने इसको 2 घंटे के लिए धूप में सुखाया है क्योंकि मेरे यहाँ धूप कम आती है। तो मैं थोड़ी सी पंखे की हवा में सुखाई हूँ और फिर इसको धूप में सुखा दिया मैंने।
पूरी देगी एक एक चिप्स निकाल के और अच्छे से सुखा लेंगे इसको। पूरी देगी पूरी तरह हमारी चिप्स सुखा दी हमने और अब इसको धूप में भी सुखा चुकी है और ये तैयार हो चुकी है। तब इसको हम तल के भी दिखाते हैं आपको कैसी बनी है हमारी चिप्स। ये देखिए हमारी चिप्स बिल्कुल भी काली भी नहीं बनी और ना पीली पड़ी है और हमारी चिप्स बहुत अच्छी बनी है बिल्कुल सफ़ेद। हम पूरी चिप्स ऐसे ही निकाल लेंगे अभी और दिखाते हैं आपको तल के। देखिए बिल्कुल भी पीलापन नहीं आया हमारी चिप्स में। और इसी तरह हम पूरी चिप्स निकाल लिए और अभी खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो पहले इसमें हम मसाला डालते हैं। तो मैं एक कटोरी में बनाया है बर्त वाली और दूसरी में ऐसे ही खाने के लिए दिए मैंने बर्त वाली बना रही। तो इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और जो सेंधा नमक आता है वो छिड़क दिया इसके ऊपर और दूसरे पे हम लाल मिर्च पाउडर और जो हम नमक खाते हैं सादा वो डाल दिया। बस हल्का सा छिड़कना है और ये हमारी चिप्स खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए चिप्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए।